इतिहास न जाने कितने ही वीर योद्धाओं की गाथाओं से भरा है। कभी इतिहास के इन पन्नों ने हमें दर्द दिया तो वहीं कई अनमोल रत्न भी दिए। इन्हीं रत्नों में से एक थे दशमेश गुरु गोविंद सिंह, जिनके एक हाथ में तलवार तो एक हाथ में कलम थी। वो संत थे, वो सिपाही थे, कमजोरों की वो ढाल थे, दुष्टों के वो काल थे। आइए आज आपको उस पूर्ण पुरुष संत सिपाही की गाथा से रूबरू करवाते हैं, जिसने देश धर्म और मानवता के लिए अपना संपूर्ण वंश कुर्बान कर दिया। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, तो चलिए शुरू करते हैं। 22 दिसंबर सन 1662 ये वो दिन था जब गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के घर आज के पटना साहिब में जन्म हुआ गुरु गोविंद सिंह का। गुरु साहब ने अपने बचपन के 4 वर्ष पटना साहिब में ही बिताए। इस वक्त उनके पिता असम में धर्म प्रचार पर थे। जब पिता लौटे तब सन 1670 में गुरु साहब अपने माता पिता सहित पंजाब के चक नानकी अर्थात आनंदपुर साहिब नामक स्थान पर पहुंचे। इस स्थान पर 6 साल के गुरु गोविंद की शिक्षा का आरंभ हुआ। संस्कृत के वे ज्ञानी बने, फारसी उनकी कलम पर आई, गुरुमुखी गुरु के मुख पर चढ़ी, तलवार से अब गुरु की पहचान हुई। इसी समय गुरु तेग बहादुर जी से कश्मीर से आए पंडितों की एक टोली ने निवेदन किया कि कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार हैं, गौ गुरु और हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। नवाबों का फरमान है कि अगर तुम्हारा कोई ऐसा महापुरुष हो जो हमारी तलवार के आगे इस्लाम को नकार देने का साहस रखता हो तो उसे ले आओ, हम कश्मीर के हिंदुओं का धर्म परिवर्तन नहीं करवाएंगे। और इस तरह गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी हिंदुओं और गायों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। 29 मार्च सन 1676 वैसाखी का दिन था। इस दिन दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पंथ के 10वें गुरु घोषित किए गए। एक उपदेशक बनने के बजाय गुरु महाराज ने तलवार को धारण किया। उनके सानिध्य में हजारों लोगों ने तलवारों को अपना साथी बनाया। आनंद का धाम तलवारों की खनक से गूंजने लगा। अप्रैल सन 1685 में आनंदपुर के राजा की वजह से गुरु महाराज को आनंदपुर साहिब छोड़कर जाना पड़ा। गुरुजी अपने जत्थे सहित नाहक नामक नगर में पहुंचे। अगले 3 साल तक गुरुजी इसी नगर में रुके। इस स्थान पर गुरुजी की मुगलों के सताए हुए कई राजाओं से मित्रता हुई। गुरुजी ने आपस में बिखरे इन सभी राज्यों की सेनाओं को एक कर दिया। इन राज्यों से कहा कि यदि तुम सभी का शत्रु एक हैं, तो तुम भिन्न क्यों हो? हमले की प्रतीक्षा करने के बजाय तुम स्वयं प्रतिघात करो। गुरुजी के आदेश पर इस इलाके के मुगल थाने पर प्रहार किया गया। हजारों सिंह भी इस युद्ध में कूद पड़े। सन 1687 में नादौन की लड़ाई हुई। गुरुजी के नेतृत्व में 12 राजाओं ने आलिफ खान की सेनाओं को परास्त कर इस पूरे इलाके को आजाद करवा लिया। व्यास नदी के तट पर गुरुजी अपनी विशाल सेनाओं के साथ 8 दिनों तक रुके रहे। सन 1688 में आनंदपुर की रानी ने गुरुजी को पुनः आनंदपुर आने की प्रार्थना की। गुरु साहिब अपने जत्थे सहित पुनः अपने आनंदपुर लौट आए। अगले 20 वर्षों तक गुरु महाराज आनंदपुर साहिब में ही रुके। इन वर्षों में उन्होंने तनिक भी विश्राम नहीं किया, बल्कि युद्ध कला में महारत हासिल की। साथ ही अपने भक्तों को भी एक योद्धा बनाया। कमजोरों को बल मिला, निहत्थों का पौरुष जागा। अपने धर्म पर अडिग रहना, मृत्यु भी सामने आ जाए तो डरने के बजाय प्रहार करना ही धर्म का मार्ग बन गया। गुरु महाराज द्वारा सेना निर्माण के समाचार मुगलों तक पहुंचने लगे। औरंगजेब इस समय दक्खन में मराठों से गिरा था। उसने आदेश जारी किया कि आनंदपुर में सिखों को बड़ी तादाद में जमा होने से रोक दिया जाए।
साथ ही इस इलाके के पहाड़ी राजाओं ने भी गुरु को खतरा माना। इसी के तहत लाहौर के मुगल सेनापति दिलावर खान ने अपने पुत्र हुसैन खान को एक विशाल सेना के साथ आनंदपुर भेजा। मुगलों तथा पहाड़ी राजाओं की संयुक्त सेनाओं ने आनंदपुर साहिब पर हमला कर दिया। पूरे नगर की घेराबंदी हुई, परंतु कमजोरों के हाथों में अब भवानी थी। प्रतिघात के स्वरों में नव योद्धाओं ने मुगल सेना पर घमासान प्रहार किया। इस युद्ध में न सिर्फ मुगल सेना की हार हुई बल्कि मुगल सेनापति हुसैन खान भी मारा गया। अब गुरु महाराज ने समग्र पंजाब में फैले सिखों को एक करने की योजना बनाई। एक ध्वज, एक पंथ, एक निशान, सिखों की मजबूत सेना हो, खालसा के नाम से दुश्मन थर्रा जाए। सन 1699 वैसाखी का पावन दिन था। गुरु महाराज ने समग्र पंजाब में सिखों की महासभा का ऐलान करवाया। एक आदेश पर सिखों का विशाल जत्था गुरु के चरणों में हाजिर हुआ। इस दिन खालसा सेना का निर्माण हुआ। सतगुरु प्रथम खालसा सेनापति बने। केस, कंगा, कड़ा, कृपाण और कछेरा सिंगों की पहचान बन गया। तलवारों की खनक के बीच 80,000 की सेना के सामने गुरु ने दहाड़ते हुए कहा, वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। निसंदेह तिलक और जनेऊ की रक्षा में उस समय के सिखों की तलवार सदा खुली रहती थी। औरंगजेब की लाख कोशिशों के बावजूद गुरु महाराज उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। 3 बार आनंदपुर साहिब की घेराबंदी की गई, परंतु मुगल गुरु साहब को कैद करने में नाकाम रहे। मई सन 1704 में मुगलों ने 10 लाख की विशाल सेना को संगठित किया और आनंदपुर साहिब को अगले 6 महीनों तक घेरे रखा। मुगलों का मानना था कि जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म होगा तब सतगुरु स्वतः ही मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे, परंतु इसके विपरीत गुरु महाराज रात्रि में अपने जत्थे सहित आनंदपुर साहिब को छोड़कर निकल गए। जब मुगलों को इसकी भनक लगी तो वे गुरु महाराज के पीछे लग गए। इस भयंकर उथल पुथल में गुरु महाराज का परिवार उनसे बिछुड़ गया। गुरु महाराज की माता और 2 छोटे साहिबजादे पीछे छूट गए, साथ ही हजारों सिख मुगलों से लड़ते हुए वीर गति पा गए। अब मात्र गुरु महाराज सहित 43 सिख ही जत्थे में बचे थे, जो आगे बढ़ते हुए चमकोर नामक एक गांव में पहुंचे। इस नगर में गुरुजी ने एक ऊंची हवेली में अपनी सेना को तैनात कर दिया और गुरु महाराज ने स्वयं कच्ची गढ़ी हवेली के ध्वज केसरी से युद्ध का मोर्चा संभाला। मात्र 40 सिंहों का मुकाबला 10 लाख की विशाल सेना से होना था। सुबह होते ही मुगल इस हवेली पर टूट पड़े। भयानक युद्ध सुबह से संध्या तक जारी रहा। इस युद्ध में गुरु महाराज के 2 बड़े साहिबजादों सहित अंतिम 40 सिख भी वीरगति पा गए, परंतु सिखों ने सतगुरु को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर ही दम लिया। गुरु महाराज के 2 अन्य छोटे साहिबजादे जो आनंदपुर छोड़ते समय उनसे बिछुड़ गए थे, उनको मुगलों द्वारा पकड़ लिया गया और 27 दिसंबर सन 1704 को सतगुरु के नन्हे पुत्र जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह जी को औरंगजेब द्वारा दीवारों में चुनवा दिया गया। जब यह हाल गुरुजी को पता चला तो उन्होंने औरंगजेब को एक जाफरनामा अर्थात विजय का पत्र लिखा। 8 मई सन 1704 की सुबह गुरु महाराज दक्षिण की तरफ निकले। इस समय औरंगजेब दक्कन के वीर मराठाओं से गिरा हुआ था। तब गुरु महाराज को समाचार मिले कि औरंगजेब मर गया। 7 अक्टूबर सन 1707 में गुरु महाराज नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए। अंत समय में आपने सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानने को कहा तथा स्वयं दशमेश गुरु ने भी अंतिम बार गुरु ग्रंथ साहिब को माथे से लगाया।
गुरुजी के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहद पर आक्रमण किया और अत्याचारियों की ईंट से ईंट बजा दी। गुरु पिता की हत्या के प्रतिशोध में बंदा बैरागी ने पंजाब की मुगल सत्ता को चकनाचूर कर दिया और गुरु महाराज के नाम से एक नई हुकूमत कायम कर दी। निसंदेह सिख खालसा सेना ने गुरु महाराज का सपना पूर्ण किया। अगली कड़ी में जानते हैं परम वीर बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका आभार, धन्यवाद। जुड़े रहिए।